दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और सिंपल एनर्जी वन में से कौन सा स्कूटर बुक करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे कुछ क्वेरीज हैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, वहीं मैं सिंपल एनर्जी वन को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। इन्हीं चीज़ों को आगे हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाई स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन की बात करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को ओला स्कूटर का डिज़ाइन कुछ ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगा होगा। वहीं बात करें, सिंपल एनर्जी वन हैज़ ए क्वाइट मॉडर्न डिज़ाइन, जैसे हम लोग आजकल के स्कूटर्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ सिंपल एनर्जी वन ने थोड़ा, मैं समझता हूँ, सेफ प्ले करके डिज़ाइन आजकल के स्कूटर जैसा मॉडर्न रखा है। वहीं ओला ने एम्स्टरडैम की कंपनी एक्वायर की है अर्टिगो, और डिज़ाइन को भी सेम रखा है जैसे एम्स्टरडैम में लॉन्च हुई है। मैं मानता हूँ वहाँ की मार्केट अलग है और यहाँ की अलग। सो बात यहीं आ जाती है, सपोज इंडिया में अगर कोई कार मैन्युफैक्चरर कंपनी टेस्ला एक्वायर करे एंड दैट टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करे, तो क्या यहाँ के लोग वैसे डिज़ाइन में कार पसंद करेंगे? आई एम श्योर जो हमारी जनरेशन है वो ऐसे डिज़ाइन एक्सेप्ट भी कर ले, बट हमारे पेरेंट्स नहीं। स्टिल हमें पॉजिटिव लेकर चलते हैं, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा वो मार्केट में चलेगा। बट एक और क्वायरी है मेरी ओला को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, इट हैज़ अ मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन एट द फ्रंट, बट इट हैज़ ओनली सिंगल एक्सल मोनोशॉक एब्जॉर्बर एट द फ्रंट, एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आपको तो पता ही है हमारे इंडियन रोड की कंडीशंस, यहाँ पर बारिश होते ही खड्डे तो दिखते ही नहीं रोड पर। और स्कूटर जितना ड्यूरेबल अच्छे सस्पेंशन और मटेरियल से बनता है और किसी चीज़ से नहीं। ऑफकोर्स और भी फैक्टर्स वर्क करते हैं। और गौर से देखोगे आप वीडियो पर तो आपको पता चलेगा ओला वालों ने इवन स्मॉल पोर्ट होल से निकलकर दिखाया है स्कूटर को। वहीं सिंपल एनर्जी वन में ड्यूअल मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलता है, एंड दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर सिंपल एनर्जी वन। सो फॉर सेफ्टी बोथ द स्कूटर कम्स विद फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स। जैसे आपको पता है ओला में दो ट्रिम्स आते हैं, ओला S1 एंड ओला S1 प्रो। ओला S1 की रेंज कंपनी क्लेम करती है 121 किलोमीटर, एंड मैं मानता हूँ इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस आपको 100 की ही देगी। वहीं ओला S1 प्रो की रेंज है 181 किलोमीटर, एंड इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस मे बी 150 तक देगी। जब मैं बात करता हूँ रियल वर्ल्ड कंडीशंस की, ये जो रेंज कंपनी क्लेम करती है, ये एक ही स्पीड पर ट्रैक पर चलाकर और हाईवे पर चलाकर जो डिजिट्स निकलते हैं वो हमारे आगे रखे जाते हैं। वहीं हम बात करें ये स्कूटर ज़्यादा ट्रैफिक में चलेगी तो इसकी रेंज ऑटोमेटिकली थोड़ी और कम हो जाएगी, बट अगर हम इसको स्पोर्ट्स मोड पर चलाएँ तो ऑफकोर्स रेंज और भी कम मिलने वाली है दोस्तों। और वहीं हम बात करें सिंपल एनर्जी वन की, जो रेंज कंपनी क्लेम करती है वो है 236 किलोमीटर्स, एंड इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस ये आपको 200 किलोमीटर की रेंज देगी। सो अगर आपको इन इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज बढ़ानी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमी मोड पे 40-50 किलोमीटर की स्पीड पर चलाएं। बाकी दोनों स्कूटर में कौन कौन से टॉप 10 के फीचर्स हैं वो आपको वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, इन कंक्लूजन ओला ने कस्टमर्स को प्रॉमिस किया है हम इंडिया में 400 प्लस सिटीज में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेंगे। वहीं सिंपल एनर्जी वन एक न्यू स्टार्टअप है तो उनकी तरफ से कोई न्यूज ऐसी नहीं आई है, लेकिन मैं मानता हूं वो भी ट्राई करेंगे अपना नेटवर्क बढ़ाने की, क्योंकि आई एम श्योर इन द मार्केट कोई स्कूटर ऐसा नहीं है जो 200 प्लस किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करती हो। सो ओला को आप बुक कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपीस में, एंड वहीं सिंपल एनर्जी वन की बुकिंग कॉस्ट है 2000 रुपीस, एंड हाँ ये दोनों बुकिंग कॉस्ट रिफंडेबल है। सो ओला S1 में 5 और ओला S1 प्रो में आपको 10 कलर ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे, और वहीं सिंपल एनर्जी वन में सिर्फ 4 कलर ऑप्शंस हैं, दैट इज़ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड वाइट। सो मेरा मानना है इफ़ यू आर लिविंग इन ए मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई और इवन इन बिग सिटीज, गो फॉर सिंपल एनर्जी वन। एक तो उनका प्राइस भी कम है कंपैरेटिवली ओला S1 प्रो से, दैट इज़ 1,10,000 एक शोरूम। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन स्मॉल सिटीज तो ओला स्कूटर इज़ योर बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादा अच्छी सर्विस वो ही प्रोवाइड करवा पाएंगे आपको, एज उन्होंने 5000 प्लस चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का प्लान किया है 100 प्लस सिटीज में, वो भी इसी साल के एंड तक। होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गई होगी विच स्कूटी यू आर गोइंग टू बुक नाउ। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शंस में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।